नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुगम जी। यहाँ पे से रविवार 7 अगस्त राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की जीत। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार और धनखड़ ने विपक्ष की पूर्व में राजस्थान गवर्नर रही मार्गरेट अलवा को हराया है। शनिवार को वोटिंग की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई थी, शाम 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। 7:30 बजे बाद परिणाम आया, धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। वहीं धनखड़ का दिल्ली में स्थायी निवास नहीं होने के कारण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सरकारी निवास पर जीत के बाद जश्न मनाना शुरू किया गया है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी भी 11 अक्टूबर रॉड धनखड़ को शुभकामना देने पहुंचेंगे। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग शाम 5 बजे बाद खत्म हो गई थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट, 14 जिलों में होगी भारी बारिश। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी कई जिलों में अच्छी बारिश हुई और आगे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 4 दिन तक मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक रविवार को आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, जिसके असर से राजस्थान में अगले 4 दिन तक राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र जयपुर ने 7 से 10 अगस्त तक अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, बेटे की साहत में बच्चे को किया था किडनैप। 4 बेटियां थी, आरोपी की माँ और पत्नी की गोद में खेलता मिला 4 महीने का मासूम। राजस्थान के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल से 4 महीने का बच्चा दिव्यांश चोरी करने वाला शनिवार को जयपुर के मानसरोवर में पकड़ा गया है। आरोपी की 4 बेटियां होने के कारण उसने SMS हॉस्पिटल से बच्चे को किडनैप किया था। आरोपी के घर पहुंची पुलिस तो उसकी मां और पत्नी की गोद में बच्चा खेलता हुआ मिला। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी का हुलिया जारी किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक टीमें भी भेजी गई थी। SMS हॉस्पिटल थाना पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना अपडेट को लेकर है। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे के अंदर 600 नए मरीज मिले। जयपुर में 5 दिन में डबल हुए केस। राजस्थान में कोरोना के केस में अब से तेजी से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 600 नए केस मिले हैं, हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 200 से ज्यादा केस आए हैं और एक सप्ताह के भीतर जयपुर में केसों की संख्या डबल हो गई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27 फरवरी के बाद 500 से ज्यादा केस आ गए हैं। हालांकि अभी जो मरीज मिल रहे हैं वो ज्यादातर सामान्य लक्षण वाले हैं। आज जारी रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर में मिले हैं। अगली बड़ी खबर, YouTube आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना जरूरी है। 8वीं पास मजदूर बना करोड़पति। YouTube वीडियो से मिले बिजनेस आइडिया ने बनाया करोड़पति। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, यह आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये साबित भी हुआ है। इसी का जीता जागता उदाहरण है 8वीं पास भवाराम। जारोर के पालड़ी गांव के रहने वाले भवाराम गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी करते थे। हार तोड़ मेहनत करते, लेकिन मजदूरी में जरूरत से कम ही रुपए मिलते। कई बार ख्याल आया कि नौकरी छोड़ दूं, फिर सोचा ये काम छोड़ दिया तो आगे क्या करूंगा। पिछले साल की बात है, एक दिन यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उन्हें जिंदगी बदलने वाला एक बड़ा आइडिया मिल गया। YouTube वीडियो के जरिए उन्हें पपीते की ताइवानी रेडल टी किस्म की खेती के बारे में पता चला। YouTube पर ताइवाना रेडल टी किस्म के कुछ वीडियो देखे तो पता चला कि ये सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती है। ये किस्म पपीते की टॉप वेरायटी में आती है। यही वजह है कि गुजरात में मजदूरी करने वाले भवाराम को करोड़पति बनाने की। भवाराम ने इसके पीछे यही होने का राज बताया है। YouTube वीडियो ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले लंबी, 2 से 4 दिनों में बहुत तेजी से फैला है। कैसे काबू नहीं किया गया तो किस रफ्तार से बढ़ेगी इसकी रफ्तार, किसी को भी मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इंसानों में जो कोरोना फैला है, उसी तरह ये पशुओं में भी कोरोना है। जिस तरह विधायकों के डेवलपमेंट फंड में कोरोना के वक्त में पैसा आया था, उसी तरह इसका भी असर होना जरूरी है। विधायक मेवाराम जैन, हेमाराम चौधरी ने कोष में पैसा ऑफर किया है ताकि पशुओं की जिंदगी को बचाया जा सके। इधर पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से CM अशोक गहलोत ने निवेदन किया है कि 10 लाख रुपए CM रिलीफ फंड में विधायक दें, जिससे फंड में कोई कमी नहीं आए और हमें गोवंश को बसाना सबसे पहला उद्देश्य है। इधर CM अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है।
उन्होंने कहा है कि लंबी से निपटने के लिए देश में दवाइयां नहीं है, अभी बकरियां की दवाइयां काम में ली जा रही हैं, केंद्र सरकार किस तरह से वैक्सीन और दवाइयों का मैनेजमेंट करेगी, ये तमाम बातें मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोग्राम चलना चाहिए इसमें हर बात का ख्याल रखना होगा, चाहे कोरोना हो चाहे लंबी। अगली बड़ी खबर, आईटी रेड में बिजनेसमैन से 70 करोड़ की ब्लैकमेली मिली, 4 करोड़ कैश, ज्वेलरी और 24 लॉकर्स मिले रियल एस्टेट कारोबारी की स्टाफ पे। इनकम टैक्स चोरी की सूचनाओं पर जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल, हॉर्टिकल्चर कारोबारियों की यहाँ छापेमारी में अब तक 70 करोड़ से ज्यादा काली कमाई मिली है। इनमें 4 करोड़ कैश, ज्वेलरी और लेन देन के डॉक्यूमेंट आईटी विभाग के हाथ लगे हैं। कई बैंकों में इन कारोबारियों के करीब 24 लॉकर्स भी मिले हैं जिन्हें अब खुलवाया जाएगा। गुरुवार तक ये आंकड़ा आपको बता दें कि 40 करोड़ का था जो अब बढ़कर 70 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, सबसे आम खबर है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को लेकर, सीकर और झुंझुनू जिले के 1133 गांवों को मिलेगा इंदिरा गांधी नहर का पेयजल। प्रोजेक्ट पर जलदाय विभाग खर्च करेगा 8,798 करोड़ रुपए। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से अब सीकर और झुंझुनू के 1133 गांवों को पेयजल सप्लाई की जाएगी। जलदाय विभाग इस पर 8,798 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, 26 अगस्त को होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले यूजी और पीजी की 100% सीटों पर एडमिशन कराने की मांग को लेकर 3 छात्र शनिवार को पानी की टंकी पर इधर सट गए हैं। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूचियों का प्रकाशन 18 अगस्त को होगा। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित अन्य जगह यूजी में भी एडमिशन नहीं हुई है, पीजी कोर्स में भी तो शुरू भी नहीं हुए हैं, हजारों छात्र चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में चुनाव से पहले 100% एडमिशन के लिए 3 छात्र टंकी पर सट गए हैं। अगली बड़ी खबर बात कर लेते हैं, रेल यात्री कृपया ध्यान दें, राजस्थान से पुरी और बिलासपुर के लिए चलने वाली 8 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। भारतीय रेलवे की ओर से रेल लाइनों के विस्तार उनको सुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जोनल स्तर पर प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के साथ इंजीनियरिंग वर्क आदि भी किया जाता रहता है, जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक किया जाता है। इसी क्रम में आपको बता दें कि नागपुर के मंडल कनाल स्टेशन पर नई साइडिंग लाइन डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से राजस्थान के अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भगत की कोटी से ओडिशा की पुरी और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए संचालित ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेंगी। अगली बड़ी खबर, लंपी संक्रमण राजस्थान नंबर 1, संक्रमित गायों का दूध पीने से बसे केंद्रीय मंत्री रूपाला। गायों में फैल रहा लंपी राजस्थान में गायों के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। यही कारण है कि पूरे देश में लंपी संक्रमण के मामले राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। गायों में फैली इस संक्रमक बीमारी को लेकर केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि देश में जिन 5 राज्यों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार में इस बीमारी का असर है उनमें राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य बना हुआ है। साथ ही पुरुषोत्तम रूपाला ने साफ कहा है कि गायों की बीमारी इस बीमारी से जो संक्रमित है उनका दूध पीने से बचें, ऐसी गायों को आइसोलेट कर देना चाहिए। आपको बता दें कि लंबी को लेकर केंद्रीय टीम के राजस्थान का दौरा करने के बाद शनिवार को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला राजस्थान के दौरे पर रहे हैं। अगली बड़ी खबर सोने चांदी के दामों को लेकर है। जयपुर के सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत में 250 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 550 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में शुक्रवार को सोने की कीमत 53,450 रुपए प्रति 10 ग्राम की थी, वहीं शनिवार को सोने की कीमत 53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इसी तरह सोना 250 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।